हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर ऑसम। मैं इस बार आपको लेकर जा रहा हूँ पहाड़ों जंगलों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत कपिलधर वाटरफॉल। ये उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नृसिंहनाथ टेंपल के पास गंधमार्दन हिल पे स्थित है। गंधमार्दन पर्वत की कई हिस्टोरिक कहानी है। यही माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए हिमालय पर्वत ले जा रहे थे, तब उसका एक टुकड़ा गिरा था। वही टुकड़े से गंधमार्दन पर्वत बना था। कपिलधर वाटरफॉल नृसिंहनाथ टेम्पल से 4 किलोमीटर पहाड़ों जंगलों से कच्चे रास्ते होते हुए जाना पड़ेगा। ये कच्चे रास्ते ख़त्म होते ही पत्थरों के रास्ते एडवेंचर या ट्रैकिंग करके वाटरफॉल तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत ही मुश्किल चढ़ाई था। पत्थरों के बीच में गुफा केव्स वगैरह भी यहाँ पे। ऐसे नैरो रास्ते से होते हुए हम वाटरफॉल तक जा रहे हैं। ऐसे ही खतरनाक एडवेंचरियस ट्रैकिंग करके आप वाटरफॉल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग व्यू वाटरफॉल का। ये मेरा भाई देखो वाटरफॉल के नीचे बैठे हुए वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। इस पल को दिल खोल के जी लो। ये वाटरफॉल का नजदीक से व्यू, इसके वाटरफॉल के ऊपर जाते ही एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत व्यू। आपको एक चीज दिखाते हैं, रुको जरा, सबर करो। वाहो, अगर ये देख के आपको प्यार नहीं हुआ ना, तो सच में आपको प्यार हो ही नहीं सकता। देखना चाहेंगे आप? फाइनली हम वाटरफॉल के टॉप पे पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत सिनेमेटिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। लाइफ सिर्फ चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं होती, जीने के लिए भी होती है। तो क्यों ना थोड़ा रुक के इस पल को दिल खोल के जी ले। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ शर्म से है लब सिले हुए। ऊपर जाओगे भैया उतना अच्छा व्यू मिलेगा। भैया थोड़ा हाथ नीचे करना। ये कुछ खूबसूरत फोटोग्राफी। यहाँ तक था कपिलधर वाटरफॉल की कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे एक इंटरेस्टिंग सफर के साथ में। थैंक यू गाइस मेरा ब्लॉग देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।